दूसरे इस्तकबाल है नजर इंडिया न्यूज में और शबे बरात। ऐसा वक्त जब हर कोई अपने अजीज व अकारिब की कब्रों पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा कब्रिस्तान के पास। यहाँ पर हर साल पूरे मुमरा की तरह यहाँ पर हर साल हजारों की भीड़ रहा करती थी, लोगों की लाइन लगी रहती थी अंदर जाने के लिए, लेकिन इस वक्त हम कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि बहुत ही कम तादाद में लोग यहाँ पर। कब्रिस्तान के शहर में हमारे साथ है मोहम्मद हनीफ भाई, भीड़ 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 बात करेंगे, क्या कहेंगे सर इस तरह से हर साल जो हालात रहा करते थे लोग आज लॉकडाउन की वजह से जितने जायरीन जो आते थे आज वो नहीं आ सकते, और आज उन्होंने भी अपना एक अच्छा ये दिया है नहीं आते हुए, और एक शांति का माहौल अच्छा रहा है, और आज की तारीख में जो है वो घर में रहना ही सेफ है नहीं ज़्यादा। जिस इस साल मतलब आप लोगों ने किस तरह से आपने ये ऐलान किया, लोगों को क्या कहा आपने कि आप आइए नहीं आइए, आपकी तरफ से ट्रस्ट की तरफ से क्या कहा? ट्रस्ट की तरफ से जो है हमने जो है व्हाट्सएप पे और उसमें मैसेज किया था कि आप जो भी जाहिरीन है वो घर से रहे, घर से ही जो फातिहा वगैरह जो भी है वो करें, कब्रिस्तान बंद रहेगा और कब्रिस्तान पे आप ना आए, उस बात को मानते हुए लोगों ने उसका ये किया है, और आज पूरा जो है पूरा बंद रखा हुआ है, और हम यहाँ पे सब जो है पुलिस वालों का भी बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा है और उसको पूरा तरह से बंद रखे। जमात मुस्लिम के सदर जनाब नईम नज़ीर खान ने भी जारी किया था, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग ली तमाम ट्रस्टीज की, उन्होंने क्या कहा उस मीटिंग में, क्या उन्होंने भी यही मैसेज किया लोगों तक, और अभी वो आके भी गए हैं तो फिर बैठे बैठे पुलिस वाले भी थे उनके साथ में, उन्होंने बहुत अच्छा करके और उस हिसाब से पूरा जो सरकार ने जैसा ऐलान किया था उस हिसाब से पूरा इधर पे किया। अभी भाई मजारत का बंद हो जाना, कब्रिस्तानों का बंद हो जाना, अफसोस की बात है कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि दफनाने भी नहीं दिया जा रहा है इस बीमारी से, क्या कहेंगे मुसलमानों के लिए, क्या मैसेज है आपके पास? हालात की वजह से अब जो भी उसको तो कोई अभी बोल ही नहीं सकता किस बारे में कि क्या कहा जाए, अभी तो फिलहाल का जो हालात है उसके हालात से तो घर में रहना ही हमारे लिए सेफ है जब तक कि सरकार हमको लॉकडाउन खत्म नहीं करती, और बाकी का जो है वो तो अल्लाह ही उसका फिर काफ़ी है। वो ये कब्रिस्तान चेयरमैन हनीफ भाई, उन्होंने एक बात कही है कि ऐसे हालात में घर में रहना ही बेहतर है, और जिस तरह से आज पूरे मुमरा के सारे कब्रिस्तानों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि ताले लगे हुए हैं, पुलिस पूरी तरह से प्रशासन तैनात है, वो उनका यही कहना है कि ऐसे हालात में जब ये बीमारी अपने जोर पकड़ते जा रही है तो उन्हें चाहिए कि घर में ही बैठे रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।